नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कल मध्य प्रदेश से अपना राज्यसभा नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु के रहने वाले एल मुरुगन और वो मध्य प्रदेश में अभी जो हाल ही में थावरचंद गहलोत के सीट खाली छोड़ने के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई थी उससे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनका राज्यसभा में जाना तय है क्योंकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। लेकिन नामांकन दाखिल करने के दौरान जब केंद्रीय मंत्री ने अपना दाखिल किया तो उस दौरान वो नेताओं को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होता है और साथ ही साथ अपने ऊपर लगे क्रिमिनल केसेस या अन्य किसी भी केसेस की जानकारी देनी होती है। इस दौरान एल मुरुगन की प्रोफाइल में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की जहां कुल संपत्ति 1.70 करोड़ बताई गई, वहीं उनके ऊपर टोटल 23 केसेस दर्ज हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट जो अपना नामांकन दाखिल किया उसमें ये खुलासे हुए कि एल मुरुगन के ऊपर टोटल अलग अलग केसों में अलग अलग प्रकरणों में 23 केस दर्ज हैं। उनके ऊपर 23 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दूं कि उनके ऊपर 1.70 करोड़ चल अचल संपत्ति, कुल संपत्ति उनकी बताई गई 1.70 करोड़, उसमें उनका गोल्ड है, घर है, नगद संपत्ति है। तो ये जो सबसे बड़ा इसमें चौंकाने वाला जो बात है तो है कि उनके ऊपर टोटल 23 केसेस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।